धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट यानी कि समाज सेविका, जिनका नाम है काजल त्रिवेदी कुंडलिया, जो तथास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर और प्रमुख है, और साथ में श्री महिला गुरु उद्योग की भी वो फाउंडर और प्रमुख है। तो सबसे पहले काजल जी, आपका स्वागत करती हूँ। और विश्व महिला दिन अंतर्गत ही हमारा शो है, और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डी कुशालभाई ज्वेलर्स और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और आप सबको भी महिला दिन की खूब खूब बधाई हो जी। थैंक यू काजल जी। आगे बात करते हैं कि ये हमारा जो शो है विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, जिसने जो चाहा लिखा स्त्री पर स्त्री को कोई पढ़ नहीं पाया। और आज हम जानने वाले हैं काजल त्रिवेदी कुंडलिया की जो लाइफ जर्नी है, वो समाज सेविका क्यों बनी, कैसे बनी, और समाज के लिए वो क्या करती है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और किसी भी स्त्री के लिए है हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। तो ऐसी ही काजल त्रिवेदी हमारे साथ है, और हम काजल जी से सबसे पहले बात करना चाहेंगे। काजल जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना आपको। आप जिस तरह से संस्थाएँ ये तो चला रही है, तथास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट एंड महिला गुरु उद्योग, आप प्रमुख भी है और फाउंडर भी है, बट सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपको समाज सेवा करने के लिए कहाँ से प्रेरणा आई और कैसे आप समाज सेविका हुई आज? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगता है वो शेयर करना कि समाज सेवा की प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से मिली है। मेरे दादाजी भी बहुत अच्छी समाज सेवा अहमदाबाद में करते थे, मेरे पापा भी करते हैं, मेरा भाई भी करता है, और मेरा परिवार यहाँ पे जो है, मेरा ससुराल यहाँ पे है, वो लोग भी करते हैं। तो मतलब जींस में है सेवा करना, और उसी से प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ी हूँ, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जी, शुरुआत तो है, लेकिन कितने साल से आप कर रही है समाज सेवा? प्योर समाज सेवा मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ, जब से मैं सूरत में आई। उससे पहले मैं करती थी, जब मैं जॉब करती थी तभी मैं टाटा फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई थी, और वहाँ पे मुझे मौका मिलता था कि ऐसी कोई सेवा करो जिससे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास हो। सिर्फ खाना दे देना या फिर कोई ज़रूरत पूरी कर देना वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वो है कि जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कर जाए कि उनको पूरी ज़िंदगी, यानी हम हो या ना हो, वो अपना काम, अपना गुजारा कर सके, वो आगे बढ़ सके, उनका आत्मविश्वास बढ़ा सके और उनको आत्मनिर्भर बना सके। वाह, तो जो आपके विचार है वो बहुत ही अच्छे और उम्दा है। जिस तरह से आपने कहा कि तथास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट में आप प्रमुख है, तो वो ट्रस्ट की शुरुआत कैसे की और वो ट्रस्ट में आप क्या 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 कार्य करती है? तथास्तु एक्चुअली बनता ही नहीं, अगर यहाँ की एक मतलब बहुत बड़ी संस्था है, अगर नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, बट उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी नई सोच को एक नई उड़ान दूँ, और आज तथास्तु का जन्म हुआ है और उसको 4 साल भी हो गए हैं। तथास्तु के अंदर हम लोग चाइल्ड एजुकेशन एंड वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं। गुड टच बैड टच सिखाती हूँ,
सेफ्टी का फीचर सिखाती हूँ। बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए कोई मदद की ज़रूरत है तो वो करते हैं, सैनिटरी पैड देते हैं, अंडरगारमेंट्स देते हैं उनको, जो पीरियड्स के लिए है तो उनको हम लोग बताते हैं कि कैसे क्या उनको सावचेती हाइजीन के लिए ऊपर काम करते हैं, और महिलाओं के लिए हम लोग उनको आत्मनिर्भर कैसे बना सके उसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करती हूँ, क्योंकि अगर महिला आत्मनिर्भर होगी तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बन पाएगा, और उसके लिए मैं ट्राइबल में ज़्यादा काम करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ मैं कोई एक घर का दिया भी जला सकूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा वही रहती है कि उनको कैसे सपोर्ट कर सके। जी ये भी बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और बहुत अच्छा ये भी आप कार्य कर रही है, मतलब समाज के लिए कुछ ऐसा काम कर रही है जो समाज के लोगों को मतलब उसके परिवर्तन आए लोगों में, और जिस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात है जहाँ तक, तो महिलाओं को जब आत्मनिर्भर करने की बात है तो वो काजल त्रिवेदी कर रही है, उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन महिला गृह उद्योग जो आप चला रही है उसमें मैंने सुना है आपके बारे में थोड़ा बहुत कि आप वहाँ पे भी काफ़ी महिलाओं को एक रोजगारी देती है, तो वो किस तरह से उसमें काम करती है आप? मेरा सबसे पहला मोटिव है कि जो मेरी संस्था है तथा सो चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हम कम से कम डोनेशन ले बाहर से, पर मतलब सेवा फ्री में या मुफ्त में तो होती नहीं है, तो मुझे ये ख्याल है कि जिसके लिए काम करना है, जिसको हमें जो चीज़ देनी है पहुँचानी, अगर उनको ही कुछ काम मिले, मौका मिले, उनको एक चांस मिले तो कैसा रहेगा, तो उसकी वजह उसके लिए हम लोगों ने श्री महिला गृह उद्योग की स्थापना की। बहनों को मैं तालीम देती हूँ, गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी हम लोग उनको बोलते हैं कि भी आप पापड़ बनाओ, खाखरा बनाओ, आपको जो चीज़ आती है, अब जिसमें आप मास्टर हो, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं ये बेस्ट कर सकती हूँ, वो आप करो, उसको क्वालिटी में हम लोग सेट करते हैं, उनको प्रोडक्ट पैकेजिंग सिखाते हैं, उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, सेल्स कराते हैं, और फिर वो खुद या फिर आपकी टीम जो है वो पूरे आपके गांव में आसपास में वो सेलिंग शुरू करे, और बाकी बच जाता है वो हम लोग सिटीज़ में हम लोग सेल करते हैं, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, तो आज हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर भी जाती है। छोटा सा ये बिज़नेस है, बट ये चीज़ है कि लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें से जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से हम लोग नोटबुक्स बनाते हैं और उनके ही बच्चों को पढ़ने के लिए हेल्प कर देते हैं। वाह क्या बात है, मतलब आपकी सोच बहुत ही उम्दा है, और जिस तरह से आप महिलाओं को भी एक रोजगारी देती हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। तो काजल जी बहुत ही अच्छा आप काम कर रही है, और इस काम में आप लोगों की समाज सेवा जो लोगों की करना चाहते हैं वो उसमें आप आगे बढ़े, और ऐसी शुभकामना मैं देती हूँ। लेकिन और आपके बारे में कुछ आप बताना चाहती है तो ज़रूर हमारे दर्शकों को बता सकती है। जब भी मैं अपने बारे में तो क्या बताऊँ, मैं सब महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो वर्किंग वुमन्स होती हैं उनकी दो टाइप की ज़िंदगी होती है, घर और बाहर। आपकी भी होगी परिवार, मतलब घर में जाओ तो परिवार का सब देखने होता है, तो जब सबसे पहली बात है कि हम लोग लाइफ मैनेजमेंट करना सीखे, और लाइफ मैनेजमेंट जब आएगा तो और बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ को पकड़ के ना रखें, आप उसको छोड़ के आगे बढ़े, बिकॉज़ कि अगर आपने सोचना शुरू किया ना कि वो चार लोग क्या कहेंगे, है ना, तो आप वहीं तक रह जाओगे, और आपकी उड़ान है बहुत लंबी है, बहुत ऊपर तक अगर जाना है, बहुत आगे जाना है ना, तो आपको वो सब चीज़ छोड़ के, है ना, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है बाय हार्ट, अंदर से, दिल में से, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो, तो उसका रिस्पॉन्स अभी भले कोई नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो जुलूस है ना वो आपके पीछे रहेगा, पूरा कारवा बन के, है ना, निकलेगा। अभी फिलहाल भले ही आप अकेले हो, पर शुरुआत जो अच्छी होगी ना वो अकेले से ही होती है, कारवा तो बाद में बनता है। तो जब भी आगे बढ़ने की बात हो, जब भी कोई अभी भी बहुत जो भी लोग मुझे देखेंगे या सुनेंगे बाद में, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको कुछ करना आता है, अगर आपके दिल के अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश है कि अगर कुछ करना चाहते हो तो आप एक उड़ान भरो, एक कोशिश करो, कोशिश पे पूरी दुनिया कायम है। हमारी छोटी सी कोशिश है ना बहुत लोगों को मदद कर सकते हैं। पहले खुद को मदद करो, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, खुद को डेवलप करो, खुद की खुशी देखो, खुद को सोचो, क्योंकि आप अपने बारे में ही नहीं सोचते, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग अटक के रह जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद हमने ये नहीं किया, ये करते तो अच्छा था, मैंने इसके लिए ये छोड़ दिया, मैंने ये नहीं किया, तो ये सब कुछ निकाल के, है ना, आप जो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, जो आपको अंदर से खुश रखती है, वैसा कुछ करो। बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर का
क्लास करना चाहते हैं, किसी को ड्राइविंग का शौक हो, किसी को मेकअप का शौक, किसी को डांसिंग है। अभी लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक वगैरह बनाया और उसमें भी आगे बहुत ज़्यादा किया। किसी ने खिचड़ी में से भी खिचड़ी बना बना के भी है ना यूट्यूब चैनल चालू किया और आज वो एक बड़ा आयाम बाहर पहुँच गए हैं, आगे बहुत पहुँच गए। तो बस यही है कि आप ऐसी कोशिश करो कि जहाँ पे आप कुछ कर सको, आप अपने आप को अंदर से निकाल के देखो और जो अंदर जो छोटा सा बच्चा जो जिंदा है ना, जो बैठा है कोने में, उसको जगाओ और उसके साथ जियो। एक छोटी सी कोशिश करो अपने लिए। वाह क्या बात है, बहुत कुछ छोटी सी बात में बहुत कुछ आपने कह दिया काजल जी। पर एक और बात भी मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि जिस तरह से आप इतने सारे लोगों के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है, ट्राइबल एरिया में काम करती है, तो परिवार के साथ अगर नहीं है तो आप कैसे कर पाती, तो किस तरह से परिवार सपोर्ट करता है आपको? परिवार में ऐसा होता है कि मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होता, 5 बजे सुबह उठना है, ट्राइबल यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता होता है, टिफ़िन बनाना है, बच्ची छोटी है 6 साल की मेरी, सो आई हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। जब मैंने शुरू किया था तब मेरी बच्ची 1.5 साल की थी, तो मतलब कभी कभी जब मैं पापड़ की ट्रेनिंग के लिए मैं उमरपाड़ा जाती थी तो मेरी बच्ची मेरे साथ में आती थी, तो उसकी दूध की बॉटल से भी मैनेज करो, सब लोग कहते क्या मिलता है तुझे, बट एक चीज़ है ये सब में कुछ क्या मिला, पैसा नहीं कमाया बट दुआ है बहुत कमाई और सेटिस्फेक्शन था कि मुझे रात को नींद आ जाती थी। और आज भी ये मैं कहती हूँ कि कभी मुझे अफसोस नहीं होता कि मैंने वहाँ पे क्या किया। जब भी जाती हूँ वहाँ पे वो जगह पे है ना, तो वो लोग देख के घूम के आते हैं, बोले दीदी आई है, तो मिलने में बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी के लिए कुछ करने का जो जज्बा है ना वो मुझे जगा के देता है। पहले ऐसा था कि मम्मी जी भी बोलते थे कि हम लोगों के बीच में ऐसा होता है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, तो हम लोग साथ में हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं। मम्मी जी मुझे सपोर्ट करती है, मेरी बच्ची पूरा दिन उनके पास रहती है, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी बच्ची का ध्यान भी वही रख रही है। तो जब बड़े लोग साथ में सपोर्ट करते हैं, हाँ मेरे हस्बैंड कभी नहीं आते मेरे कार्यक्रम में कभी उन्होंने मुझे सुना नहीं है, कभी वो मेरे साथ बैठते नहीं है, फोटोज़ भी मेरी उनके साथ कम होती है क्योंकि वो भी बहुत एक कंपनी में काम करते हैं, बट हाँ वो सपोर्ट वो देते हैं कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो वो अलाउ करते हैं, वो एक ट्रस्ट है उनका मुझ पे और मुझे उन पे कि वो कभी मुझे जब भी मुझे कहीं पे चाहिए, कहीं पे मौका चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है कि हाँ ठीक है तू कर लो एक बार, आप ऐसा करके देखो, हाँ ठीक है कर ले, तो फिर अगर नहीं सेट हुआ, अगर मैं कहीं पर गलत हुई ठीक है, तो भी उन्होंने मुझे हमेशा साथ और सपोर्ट दिया है। और आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे हूँ तो मेरे परिवार की वजह से हूँ, मेरी माँ ने कभी मुझे रोका नहीं और मेरी सास ने मुझे कभी टोका नहीं, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बहुत बढ़िया बात की, इस पर काफ़ी लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं क्योंकि हर लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ होती है, घर में भी सास बहू के साथ भी काफ़ी कुछ अनबन होगी तो ये शायद नहीं अच्छे रिलेशन भी हो सकते हैं, आपकी बातों से शायद हो सकते हैं ऐसा जी। बहुत ही अच्छी बात कही का हम, ये हमारा जो शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ थी आज काजल त्रिवेदी कुंडलिया जो एक सूरत की जानी मानी समाज सेविका है। तो काजल जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आप समाज की सेवा करते रहे और लोगों के आशीर्वाद पाते रहे, यही शुभकामना के साथ हम वापस मिलेंगे एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड पे। नमस्कार, थैंक यू।